हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुर्धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति ये है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही रावण और उसकी राक्षसी सेना का नाश कर दूंगा। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है मित्र कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है, उसके बदले हम आपको राजमुकुट पहनाएंगे। महाराज रावण ने आपसे अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनी रहे। अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो उस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है। हमारी संधि केवल श्री राम से है, और वो संधि केवल इस लोक की नहीं परलोक की भी है, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है। रावण से कहना श्री राम को अब भी पहचान ले, जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं वह हमें इस समुद्र से पार नहीं ले जाएंगे क्या? जाओ रावण से कह देना कि विभीषण के आने से लंका बच गई है, परंतु रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है। हे महासागर, मैं महाराज सागर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सागर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधि। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है, इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। प्रभु, अभी तक विलंब का एक ही कारण था कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि देवी सीता कहाँ है।
मुझे अपने प्रिय पुत्र हनुमान पर बड़ा गर्व है कि उसने इस समस्या का समाधान करके हमारा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब तो कोई दूसरी बात सोचने वाली है ही नहीं। महाराज सुग्रीव, आपको इसी क्षण अपनी सेना को कूच की आज्ञा देनी चाहिए। आपने श्री राम को जो वचन दिया है उसे पूरा करने में एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं परमवीर केसरी से पूरी तरह सहमत हूं। महाराज को दिए हुए वचन को निभाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है, उसमें अब देरी क्यों? प्रभु, हमारे पास बहुत कम समय है। रावण ने माता सीता को केवल एक महीने की अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण वो बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वो क्रूर रावण एक महीने के पश्चात देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वप्रथम सेना में एक उत्साह का होना आवश्यक है। सो आप सबकी उमंग और उत्साह देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर उठा है। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपको ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों पर अधिकार है जो संसार में और किसी के पास नहीं है। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुर्धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति यह है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। हम सब आपके मंत्रियों की भांति आपके सहायक होकर आपके ध्वज की छाव में युद्ध करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वानरों और भालुओं की यह विशाल सेना बड़ी पराक्रमी है। हमारे वीर युद्ध में बड़े शूरवीर हैं। संग्राम में शत्रु कभी उनकी पीठ नहीं देखता। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने की विद्या भी जानते हैं। आप एक बार केवल इन्हें सागर के उस पार ले चलिए, फिर इन शक्तिशाली वीरों के द्वारा लंका की समस्त सेना का बस विनाशी हुआ समझिए। महाराज सुग्रीव, ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं शीघ्र ही रावण और उसकी राक्षसी सेना का नाश कर दूंगा। एक सेनापति को शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, रावण की सेना का परिमाण, नगर द्वारों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय, जो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का इस सभा में वर्णन करो। प्रभु, लंका का दुर्ग, उसके रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है वो सब मैं आपको बताता हूं। लंका के चार बड़े द्वार हैं। उनके मजबूत किवाड़ों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। उनके ऊपर विशाल और प्रबल उपल यंत्र रखे हुए हैं जिसके द्वारा आक्रमण करने वाली सेना पर वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वहां विस्फोटक अस्त्रों का भी संग्रह रहता है। पुरी के चारों ओर सोने का एक परकोटा है जो अभेद्य है। उसके सब ओर भयानक और गहरी ठंडे जल की खाई है जिसमें मकर आदि ग्रह भरे हुए हैं। इस खाई को पार करने के लिए चारों मुख्य द्वारों के सामने चार संक्रम भरे हुए हैं जो शत्रु के आने पर यंत्रों द्वारा पानी से उठा दिए जाते हैं।
उसके चारों ओर प्राकृत और कृत्रिम रुकावटें हैं, चार प्रकार के दुर्ग हैं और कई प्रकार की व्यूह रचना है जिनका निरीक्षण रावण स्वयं करता है। परंतु प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से मैंने लंका को बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके संक्रमों को तोड़ दिया है और खाई को पाट दिया है, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सुविधा रहे। हे राघव, मैंने उनके बहुत से अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालयों को विध्वंस कर दिया है। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की नगरी में जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदापि देवताओं से भी संभव न था। हम तुमसे सहमत हैं कि अब सेना को प्रस्थान करना चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप सबकी सम्मति से सेनानायक का कार्यभार संभालते हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाए, ऐसे विजयी मुहूर्त में हमारी सेना की यात्रा आरंभ। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान बानरों को लेकर सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। नील, तुम सेना को ऐसे मार्ग से ले चलो जिसमें फलमूल की अधिकता हो, शीतल जल और मधु मिलने का सुविधा हो। तुम्हारे दल को दुष्ट राक्षसों से सावधान रहना होगा, जिससे हमारे मार्ग में शीतल जल और फलों को वो विष आदि से दूषित न कर सके। आगे चलते हुए शत्रु के गुप्तचरों से सावधान रहना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हम पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील की सहायता के लिए महाबली गए, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चले। सेनापति वृषभ सेना के दाएं भाग में रहकर सेना की रक्षा करते हुए चले। परम वेगवान और परम वीर गंधमादन सेना के बाएं भाग में चले। मैं, लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के साथ सेना के मध्य में रहेंगे और वहीं से सेना का संचालन होगा। देख रहे हैं प्रभु, किष्किंधा के एक एक वीर वानर के हृदय में कितना उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है। आप इन्हें कूच करने का आदेश दीजिए प्रभु। रणबांकुरे वीरों, सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम पग बढ़ाता है तो संसार की सभी मोहमंता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता।
वो मोह माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति केवल एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाकर आगे बढ़ता है। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय, यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। सेनापति नील, आप पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ें, किंतु इस बात से सावधान रहे कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से ना जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए। जय श्री गणेश, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, 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 को धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महा महासागर, आपके प्रथम दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। हे राम, हम सब समुद्र तट तक पहुंचकर चिंतित हो गए थे
किस आघात जलधि को कैसे पार करेंगे। उस समय तो पवन पुत्र हनुमान ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया था, परंतु अब प्रश्न यह है, इतनी बड़ी वानर सेना को लेकर इस विशाल सागर को कैसे लांघा जाए। हाँ, यदि इसे लांघने का प्रबंध किया जाए तो हमारे सैनिकों के द्वारा लंका के समस्त राक्षसों का विनाश हुआ ही समझिए। इसके लिए गहरे सोच विचार की आवश्यकता होगी। तब तक आप सेनापतियों से कहिए अपने अपने पड़ाव डाल दें और समस्त युद्धपति सावधान रहकर सेना के चारों ओर पहरे का प्रबंध रखें, ताकि राक्षसों द्वारा किसी गुप्त आक्रमण की आशंका न रहे। जो आज्ञा प्रभु, नल नील आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। भैया, क्षितिज के उस पार कहीं भाभी बैठी आपकी राह निहार रही होंगी। यदि इस समय उन्हें कोई बता पाता कि हम लोग सेना लेकर समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, तो उनकी बुझती हुई आशा में फिर प्राण आ जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, काश इस समय उसे कोई यह बता सकता कि समुद्र के दूसरे तट पर खड़ा मेरा हृदय उसे पुकार रहा है, परंतु उसे यह सब बताएगा कौन। बीच में तो जैसे सागर और आकाश ने मिलकर दृष्टि का रास्ता भी रोक दिया है। सीता, धीरज रखना प्रिय। यदि आवश्यकता हुई तो तुम तक पहुंचने के लिए समुद्र को जलाकर मैं उसमें से भी रास्ता बना लूंगा, परंतु मैं पहुंचूंगा अवश्य, मेरा विश्वास रखना। माता, आज बड़े ही शुभ शुकुन हो रहे हैं, मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, अनजाने आनंद की लहरें उमड़ रही हैं अंतर में। तभी बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। आज पहली बार तुम्हारी वाणी में ऐसा उल्लास और मुखड़े पर चमक दिखाई देती है। हाँ माता, सोते सोते ही ऐसे लगा जैसे मेरा बाया हाथ मेरे स्वामी के हाथ तक पहुंच गया। पुत्री, यूं कह कि तेरे नाथ श्री राम का हाथ इस नर्क से तेरा उद्धार करने के लिए उठ गया है। अवश्य उस विराट वानर ने तेरा संदेशा तेरे स्वामी को सुना दिया है। उनके पग लंका की ओर तेरा उद्धार करने के लिए बढ़ चुके हैं। यही अर्थ है तेरे अंतर में उमड़ते आनंद और इन शुभ शकुनों का। सच? हाँ। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे, दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। गुप्तचरों का कहना है वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में हैं। ये समाचार लंका में आग के समान फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है कि युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। पूज्य माल्यवान जी, आपको भी डर लग रहा है क्या? शांत युवराज, माल्यवान हमारे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, हम उनसे सहमत न हो, परंतु उनके मत का भी हमें आदर करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या उपस्थित हुई, हमने आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया है। उस दिन सभा में बांध कर लाए गए वानर हनुमान के वध का विचार भी विभीषण की राय ना होने के कारण हमने त्याग दिया। वही तो भूल कर दी, उसी दिन उस ढीठ बंदर को खत्म कर देते तो आज ये समस्या ही सामने ना आती, ना वो जीता वापस जाता, ना उन लोगों को यहाँ का कुछ पता चलता। अभी भी कौन सी समस्या जटिल हो गई है? समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ ये नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघ कर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। सेनापति अकंपन, कम से कम आप तो ऐसी बात मुख से ना निकालो। आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि राम का पराक्रम कैसा था। सारे जनस्थान से केवल आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा सके थे।
महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गया था, अर्थात हमारी लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। फिर उस अकेले वानर ने सारी लंका को आग लगा दी और हमारे बड़े बड़े शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखते रह गए। इसका अर्थ यह है महाराज कि हमारी सुरक्षा की दीवारें भी अब अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश्वर, श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी, किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन श्रुपनखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की, खरदूषण ने बिना विचारे अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया। उस पर सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने, उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण, जी हाँ महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। पिताश्री, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में ये छोटे काका विभीषण ही सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से भागे हुए मरीच मामा की तरह भगवा वस्त्र धारण करके किसी ऋषि के आश्रम में धूनी क्यों नहीं रमाते? यहां लंका में किस लालच से रह रहे हैं? तात मेघनाद, ऐसी दम्भ भरी निरर्थक बात करना, अपने बड़ों से अशिष्टता बरतना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं, देवताओं के गर्व को दलन करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शोक मग्न करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में पटकने वाले दो मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं, आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं, उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराद, खरदूषण, त्रिशरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्रवा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत, गलत राय देकर पद भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं,
उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा, क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पार्श्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोक हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी, वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह वानर पहले तेरे घर में आया। तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई, पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। भैया मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा, जा लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है।
और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा, अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। क्या कहा राजमाता ने? मां का भी यही मत है कि श्री राम की शरण में जाओ। तू चले। चले उहरषि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन वो देखो शत्रु के कोई दूत आ रहे हैं। जाओ जाकर महाराज सुग्रीव को इसकी सूचना दो।
महाराज सुग्रीव शिविर में है जी। श्री राम प्रभु की आज्ञा है कि छावनी में चारों तरफ हर समय पहरा रहना चाहिए। महाराज की जय हो। कहो महाराज, कुछ लोग आकाशमार्ग द्वारा लंका की ओर से हमारी तरफ आ रहे हैं। लंका की ओर से? जी हाँ महाराज। तो प्रभु श्री राम का कहना उचित ही है, हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। आओ चलें। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लगते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है, अब अपना परिचय दो। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता को पंचवटी से हर कर लाए हैं, हमारे बीच मतभेद बढ़ता ही गया है। मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। अच्छी बात है, हम श्री राम तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु तब तक आप वहीं रहिए, हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो, हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। जो आज्ञा महाराज। आओ मित्र, बैठ। रघुनाथ जी, अपने आप को लंका के राजा रावण का छोटा भाई बताने वाला एक असुर आया है। आपकी शरण में आना चाहता हूं, यह कहकर वह आपके पास आने की आज्ञा चाहता है, परंतु वह शत्रु का भाई है। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसको अपने शिविर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं। आप सबका इस बारे में क्या मत है? संभव है वो रावण का कोई गुप्तचर हो। भाई हो या गुप्तचर हो, है तो हमारा शत्रु ही। इन मायावी राक्षसों का क्या भरोसा, शरण की बात कहकर हमारे दल में घुसकर अंदर ही अंदर हमारा अनिष्ट करें, हमारा विश्वास जीतकर हम लोगों पर ही प्रहार करें। भगवान, हमें उसकी बातों में ना आकर उसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। वानर राज, जिसके हृदय में कपट हो वो इस प्रकार खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आता, उससे उसका परिचय पूछना चाहिए। वो कौन है, क्या नाम है उसका? विभीषण नाम बताया है उसने अपना। विभीषण,
क्या विभीषण नाम बताया उसने? क्यों, क्या शंका उत्पन्न हुई नाम सुनकर? शंका? शंका के तो बादल छट गए विभीषण नाम सुनकर। यदि वास्तव में वो विभीषण ही है तो? हनुमंत, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे विभीषण अपना स्वजन हितैषी हो। वो हो नहीं सकता, आखिर वो रावण का भाई है, एक राक्षस है, सो मनमाना रूप धारण कर सकता है। राक्षसों में अंतर्धान होने की शक्ति भी होती है, वो अवसर पाकर हमारी बहुत हानि कर सकता है। राक्षस जाति का है, इसीलिए वो दुष्ट या दुर्जन हो, ये मान लेना अन्याय है। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो अपने कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। राक्षसों में भी राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद जैसे हरि भक्त हुए हैं जामवंत जी। उसी प्रकार विभीषण भी आपका परम भक्त है प्रभु। बल्कि सीता माता ने तो मुझे यह भी बताया था कि विभीषण अपनी बेटी के हाथ चोरी छुपे कभी कभी उन्हें भोजन भी भेजता रहता है। हो सकता है उस समय उसकी पुत्री ने सहानुभूति के कारण ऐसा किया हो, परंतु आज स्थिति दूसरी है। लंका में सब जानते होंगे कि इस समय श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। इस समय विभीषण का अपने भाई के बैरी के पास आने का न तो उचित समय है और न उचित स्थान। जो संकट में अपने सहोदर भाई को छोड़ दे, उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास करना चाहिए भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या, तीनों लोगों में दुर्लभ है। अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। वानर राज, आप सबके विचार मैं एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था। अब आप सब मेरे विचार भी सुने, उसके पश्चात अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष हो, उसके मन में कुछ दुराव भी हो, परंतु मेरा एक प्रण है कि जो शरण में आए उसे अभय कर दूं। मित्रता की याचना करता हुआ कोई शरणार्थी बनकर आया है, उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना, भले ही वो ठगने क्यों ना आया हो, सत्पुरुषों के लिए उचित है। ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। हम लोग उसके स्वजन नहीं, फिर भी वो आपसे शरण मांगने आया है, मुझे इसमें कोई कपट दिखाई नहीं देता। मैं आप सबके विचारार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। पूर्व काल में महर्षि कण्व के पुत्र महान सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक निर्णय दिया था। आर्तो वा यदिवा दृष्ट परेषां शरणं गतः, अरे प्राणानां परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मना। यदि शत्रु भी शरण में आए और दया की याचना करे तो उसे भी निराश नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी की शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी होता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है। यदि शरण में आया हुआ प्राणी रक्षक के सामने नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्य को ले जाता है। मैं आज महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा हूं, यदि ऐसा कहकर कोई मेरी शरण में आया है तो उसे ग्रहण न करना महान अधर्म होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है, यदि स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आए तो भी मैं अपना पन निभाऊंगा, उसे शरण दूंगा।
युवराज अंगद, उसे आदर के साथ हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। हे राक्षस कुल मणि विभीषण जी, मैं बाली पुत्र अंगद आपको प्रणाम करता हूं। मुझे श्री राम प्रभु ने आपको ये कहने को भेजा है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना पर आपसे भेंट करना स्वीकार कर लिया है, अतः आप पधारे, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पधारिए, श्री राम प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं हूं, फिर भी आपकी यशगाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं, जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया था कि देवी सीता को सम्मान के साथ आपके पास पहुंचा दिया जाए और लंका तथा लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के संहार से बचाया जाए, परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने उसे भी ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना परिवार, धन संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं, मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो।
आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं। सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। स्वामी, मैं तो एक सेवक बनने आया था, आपने मुझे मित्र का स्थान दे दिया, मैं इसका पात्र नहीं था। यह आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता भी है लंकेश। लंकेश, प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण है, आपने एक शरणार्थी को ये संज्ञा कैसे दे दी? रावण तो केवल कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है, उसके पाप कर्म उसकी सारी शक्तियों को क्षीण करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप ले आए हैं। तत्पश्चात लंका का राज सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। युद्ध के पश्चात लंका की प्रजा को एक धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख और शांति देने का उत्तरदायित्व तो जितना हमारा होगा उतना ही आपका भी होगा। आपकी प्रजा का हित आपसे अधिक और किसके मन में होगा? हे प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं, यही बात आज मेरी पूजनीय माता ने मुझसे कही थी, जो मेरे पूज्य पिता श्री महर्षि विश्रवा हिमालय जाते हुए उन्हें कह गए थे कि महाराज रावण के पश्चात मुझे प्रजा की सेवा का कार्य संभालना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है प्रभु कि मैं अपने मंत्रियों की सम्मति से आपकी शरण में इसी आशा से आया हूं कि लंका की निर्दोष प्रजा की ओर से आपसे दया की भीख मांगू, जिससे एक पापी के पाप के कारण सारी प्रजा को दंड न भुगतना पड़े। मित्र, हम तुम्हारी प्रजा वत्सलता की सराहना करते हैं, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी सेना का कोई भी सैनिक लंका के किसी निर्दोष नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मेरी सेना तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगी। हम केवल उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की इच्छा से हमारे सन्मुख आएंगे। मैं लंका निवासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आपने अपने सेवक के साथ उन सबको निर्भय कर दिया। आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? प्रभु, यही अनुकंपा बनाए रखिएगा। तुम अनुकंपा की बात करते हो, हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है मित्र, कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। कहते हैं कि दुष्टों की संगति से तो घोर नरक में रहना उत्तम है। मैं हनुमान से सारी गाथा सुन चुका हूं कि ऐसे वातावरण में तुम किस प्रकार भक्ति की भावना में अचल और अडिग होकर खड़े हो। प्रभु, सारी शक्ति भक्ति ही देती है, उसमें भक्त की कोई शूरवीरता नहीं। जिस क्षण आपकी छवि मन में उदय हो जाती है, उसी क्षण मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भाग जाते हैं। अन्यथा तो मुनिगण भी सहस्त्रों वर्ष ध्यान लगाकर भी कुछ नहीं पाते। यही परम सत्य है, जो संसार का माया मोह, भाई बंधु, मित्र, परिवार, छल कपट सब कुछ छोड़कर केवल एक प्रभु की ही शरण में जाता है, जिसका कोई आसरा नहीं होता उसे भगवान स्वयं आश्रय देते हैं।
मित्र, तुम हमारी शरण में आश्रय मांगने आए हो। हमने तुम्हें लंकेश कहा है। हमारे बाण की भांति हमारा वचन भी अमोघ है, जो झूठा नहीं हो सकता। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है, उसके बदले हम आपको राजमुकुट पहनाएंगे। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र का पवित्र जल मंगवाइए। सागर में समस्त तीर्थों के जल का समावेश है। अपनी सेना के सामने उसी पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। लक्ष्मण, छावनी के मध्य में उचित प्रबंध किया जाए। जी भैया। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्ति। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरी शरण में आने का और मेरे दर्शन करने का फल अमोघ है। अतः मैं सागर के पवित्र जल से, जिसमें समस्त नदियों और समस्त तीर्थों के जल का समावेश है, तुम्हारा अभिषेक करता हूं। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। लंकापति महाराज विभीषण, लंका का राज्य आपके लिए कल्याणकारी हो। लंका नरेश महाराज की मिशन की। क्या कहा? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? शार्दूल, तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ महाराज, वानरों के राजा सुग्रीव, युवराज अंगद और दूसरे सेना नायकों के सामने राम ने समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और फिर लंका का राजा कहकर उनका राज तिलक कर दिया।
एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं। और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा, मैं तुम्हें तीनों लोकों का भगवान बना देता हूं। एक दर दर भटकते हुए कंगाल ने दूसरे कंगाल को झूठा सपना दिखाकर निहाल कर दिया। सूखी रेत पर बैठकर माथे पे पानी का तिलक लगाने से लंका नरेश का राज तिलक हो गया। वाह राम वाह, एक मायावी को भी अपनी माया के चक्कर में डाल दिया, मान गए तुम्हारी चतुराई को। और सुग्रीव को भी इसी प्रकार भरमा दिया था, मुझे तो उस मूर्ख वानर सुग्रीव पर हंसी आती है जो किष्किंधा का वैभव विलास छोड़कर उन वनवासियों के साथ भटकता फिर रहा है और साथ में अपनी सेना को भी भटका रहा है। वो सेना दो दिन में ही वापस चली जाएगी, समुद्र लांघने का कोई साधन नहीं है उनके पास। सूखी रेत पर कब तक बैठे रहेंगे, वहां बालू और रेत के अतिरिक्त खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल सैनिक जल्द ही उबकर वापस चले जाएंगे। मुझे क्षमा करें महाराज, उन सैनिकों में निराशा के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सब बड़े उत्साह में हैं और महाराज उनकी सेना भी इतनी विशाल है कि वो एक सागर की भांति दिखाई देती है। वत्स मेघनाद, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। शत्रु छोटा हो तो भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए, शत्रु से सदैव सतर्क रहना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं नाना जी? मैं गुप्तचर शार्दुल का संकेत समझ रहा हूं, वो आपके भय से खुलकर बोल नहीं सकता, परंतु उसका अर्थ यही है कि श्री राम का लंका की ओर कूच कोई उपहास की बात नहीं है। बड़ी गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार राम ने आज विभीषण का राज तिलक किया है, उसी प्रकार एक दिन उसने सुग्रीव का भी राज तिलक किया था। वो वृथा नहीं गया, उन्होंने अंत में सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना ही दिया। इससे उनके वचन की महत्ता बढ़ गई है। आपने ठीक ही कहा है राजन, राम बड़ा चतुर है। उसने विभीषण का राज तिलक करके लंका में एक दरार डालने की युक्ति कर ली है। लंका में जो लोग आपसे सहमत ना होंगे, आज वो विभीषण के अनुयायी बनने की बात सोचेंगे। राम ने उनके मन में एक आशा उत्पन्न कर दी है कि जैसे सुग्रीव को राजा बनाया गया, उसी प्रकार एक दिन विभीषण को भी लंका का राजा बना देंगे। राम ने एक ही चाल से आपके शत्रुओं के मन में आशा और आपके अनुयायियों के मन में आशंका का बीज डाल दिया है। इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए महाराज। आप जो कह रहे हैं यदि वो सच है तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? मेरे विचार से तो शत्रु पर आज ही आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ महाराज, अभी तो समुद्र पार करने के उपायों पर सोच विचार ही कर रहे होंगे। युद्ध सर पर आ जाएगा इसका तो उन्हें आभास ही नहीं होगा। हमारे पास जितने राक्षस आकाश में उड़ने की विद्या जानते हैं, उन वानरों को विध्वंस करने के लिए उतने ही पर्याप्त होंगे। शत्रु के आगे बढ़ने से पहले ही उसे उसके घर में ही मार देना चाहिए। युवराज क्षमा करें, यही सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। हमारी सेना का जो बल और शक्ति लंका में है, वो दूसरे की धरती पर जाकर कभी भी नहीं हो सकती। हम आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करते, परंतु अपने घर में जो सुरक्षा होती है वो शत्रु के घर में नहीं होती। हाँ, यदि शत्रु सेना निर्बल हो, उसके राज में अधिकार जमाना हो तो अलग बात है, परंतु यहां ये दोनों बातें नहीं। हम सेनापति कंपन के विचार से सहमत हैं। हम लंका में बैठे हुए हर प्रकार से सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ी सुरक्षा तो 100 योजन विस्तार का यह सागर ही है।
हनुमान जैसा कोई एकादवीर योद्धा उसे पार कर सकता है, परंतु सेना को लेकर विशाल सागर को पार करना राम के लिए असंभव है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, आज तक किसी सेना ने यह सागर पार नहीं किया, इसका अर्थ ये तो नहीं कि यह हो नहीं सकता। हनुमान ने यहां का सारा हाल तो बता ही दिया होगा कि कितना विशाल समुद्र है। फिर भी यदि राम अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गया है तो वो कुछ सोचकर ही आया होगा, उसके मन में कुछ उपाय तो अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने ही मन में संतुष्ट होकर बैठे रहना नहीं चाहिए। तो फिर आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। सैनिक शक्ति का प्रयोग तो आप करना नहीं चाहते। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति का प्रयोग यहां उचित नहीं, हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका यह अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण तीन भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। शोक। जी महाराज। शोक, तुम हमारे गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री हो, तुम आसुरी विद्याओं में निपुण हो, अपनी इच्छा से रूप भी बदल सकते हो, इसलिए यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सुग्रीव के मन में कहां दुर्बलता है। स्त्री, धन, राज, वैभव, प्रशंसा, यश, जिस बात के लिए भी उस वानर के मन में दुर्बलता हो, उस स्थान का भेदन करके उसे अपने साथ मिलाने का कार्य तुम्हें बड़ी चतुराई के साथ करना होगा। राजनीति और कूटनीति के दाव पेच समझा कर राम शिविर की ओर दूत को भेजा, सिखा पढ़ा कर शत्रु सैन्य बल दुर्बलताए कुछ अज्ञात न छोड़ो, घर का भेद हुआ विभीषण तुम सुग्रीव को तोड़ो, तुम सुग्रीव को तोड़ो। रातों रात पार कर सागर पहुंचा दूत ठिकाने, जिनका भेद कोई ना जाने उनका भेद लगाने, उनका भेद लगाने। कहो क्या संदेश लाए हो। मेरे स्वामी, लंकापति रावण ने आपको साधुवाद भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे मित्र वाली के छोटे भाई हैं, इसलिए वो आपको भी अपना भाई ही मानते हैं। इस नाते आप जब चाहें लंका पधार सकते हैं, वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरे माणिक आदि रत्नों की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहें हम आप पर निछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में अभिसार के लिए ऐसी सुंदर नृत्यांगनाएं हैं जिनके सामने देवलोक की अप्सराएं भी मंद पड़ जाएं। महाराज रावण ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय महाराज बाली के साथ उनकी मित्रता की संधि थी, दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए वचनबद्ध थे। उसी संधि के फल स्वरूप राक्षसों की एक अग्रिम छावनी
गोदावरी तट पर स्थित थी, जहां पर खर और दूषण हमारी ही नहीं बल्कि आपकी सीमाओं की भी रक्षा करते थे, ताकि उत्तर की ओर से आने वाले शत्रु आगे बढ़ने का साहस न कर सके। परंतु सुना है कि आप वो सब बातें भूलकर अयोध्या के दो राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं। महाराज रावण जानना चाहते हैं कि आप किस लोभ में आकर इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? अपने देश से निकाले हुए दर दर भटकते उस वनवासी की सुंदर स्त्री का हमने हरण इसलिए किया है ताकि वो वनवास के दुखों से छूट जाए और लंका की महारानी बनकर कुछ सुख भोग सके, तो इसमें वानर राज सुग्रीव का क्या जाता है? महाराज ने यह भी याद दिलाने को कहा है कि लंका आपके बहुत समीप है, विपत्ति पड़ने पर जितनी जल्दी हम आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं अयोध्या वाले नहीं आ सकते, क्योंकि अयोध्या आपसे बहुत दूर है। इन सब बातों को सोचते हुए महाराज रावण ने आपसे अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनी रहे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो उस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप महाराज रावण की इस बात को कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि महाराज रावण की मित्रता के बढ़े हुए हाथ को ठुकराने का अर्थ है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष अपने द्वार पर आए हुए अपने परम सौभाग्य को ठुकरा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं सोचेगा। मैं ऐसी मूर्खता की ही बात सोच रहा हूं, इसीलिए जानना चाहता हूं कि उस अन्यथा का क्या अर्थ है। यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है? आपकी सारी वानर सेना का विनाश, किष्किंधा राज्य की सारी शक्ति का ह्रास, जिसके पश्चात किष्किंधा का राजा भी राम और विभीषण की तरह दर दर भटकता भिखारी दिखाई देगा। भूत! क्षमा करें महाराज, आप ही ने विस्तार जानना चाहा था। हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपने और अपने महान कुल के हित का उपाय सोचिए, अपने ऐश्वर्य और समृद्धि को बचाने का उपाय सोचिए, अपने साम्राज्य की उन्नति का उपाय सोचिए। इसका एक ही उपाय है कि आप महाराज रावण की मित्रता का आदर करें, जिसका अर्थ है संसार के समस्त सुखों का स्वामी हो जाना। आप उन सुखों को भोगते भोगते थक जाएंगे, किंतु वो सुख कभी समाप्त नहीं होंगे। नहीं सुख, प्राणी भी नाशवान है तो भोग भी नाशवान है। कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो निरंतर हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए सुखों के मोह से, अपने कर्तव्य से जो विमुख हो जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और तुम्हारा लंकापति मुझे यही प्रलोभन दे रहा है कि जिसने मुझ पर उपकार किया हो उससे मैं द्रोह करूं? जो मेरा मित्र है मैं उसकी पीठ पर कटार भोंक दूं? और जो बात सत्य और धर्म से युक्त है कि रावण ने एक निर्दोष पर स्त्री का हरण करके एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है, उस रावण की शक्ति के भय से अथवा समस्त सांसारिक प्रलोभन के कारण मैं एक महापापी का समर्थन करूं और रावण का साथ दूं? ऐसा करूं तो मेरी आत्मा क्या मुझे कभी क्षमा करेगी? मेरे स्वर्गीय बड़े भाई महापराक्रमी वीर महाराजा बाली ने मरते समय मुझे यही कहा था कि जो वचन श्री राम को दिया है उसे पूरा करना। आज यदि मैं तुम्हारा परामर्श मान लूं तो मेरे परम वीर भैया और परम प्रकाशवान लोकों में विचरने वाले मेरे पिता भगवान सूर्य मुझे एक ही बात कहेंगे, धिक्कार है,
सुग्रीव धिक्कार है, धिक्कार है तुझ पर। तुम्हारे राजा को हमारे हित की चिंता नहीं हो रही है, उसे अपने समूल नाश का भय व्याप्त हो उठा है। वो जानता है कि श्री राम प्रभु के साथ सुग्रीव का सैन्य बल नहीं, सर्वनाश की भीषण लपटें लंका को भस्म करने के लिए लपक रही हैं। ये वो जान गया है, इसीलिए उसने फूट डालने की कुटिल कूटनीति की चाल चली है। आप मेरे महाराज को गलत समझ रहे हैं कपीश, तनिक विचार कर देखिए। चुप रहो दूत। दूत का काम संदेश देना है, परामर्श देना नहीं। दूत बनकर ना आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। तुम्हारे राजा ने हमारी कर्तव्य परायणता और हमारी भावनाओं का अपमान किया है। लंकेश ने इस भावना से नहीं कहा महाराज। चुप रहो। जिस प्रकार अपने नरेश का संदेश लेकर आए हो, उसी प्रकार संदेश का प्रत्युत्तर जाकर उन्हें सुना दो। जो आज्ञा महाराज। अपने कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा को कह देना, किष्किंधा का वानर अपना हित अनहित भली भांति जानता है। सावधान कर देना उस दुराचारी को, उससे मित्रता नहीं शत्रुता करके उसके दुष्कर्म का दंड देने के लिए किष्किंधा का एक एक वानर सैनिक उतावला हो रहा है। हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है। हमारी संधि केवल श्री राम से है, और वो संधि केवल इस लोक की नहीं परलोक की भी है, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है। रावण से कहना श्री राम को अब भी पहचान ले, जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं वह हमें समुद्र से पार नहीं ले जाएंगे क्या? जाओ रावण से कह देना कि विभीषण के आने से लंका बच गई है, परंतु रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है। और अपने राजा से यह भी कहना कि अब भी समय है, यदि अपना अपने कुल और राक्षस जाति का सचमुच हित चाहते हो तो श्री राम प्रभु की शरण में आ जाओ, तो आप ही लंका के राजा रहेंगे। मुझे राज सिंहासन की कोई लालसा नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा विभीषण जी, आप तो जानते ही हैं कि महाराज रावण का हठ कितना अटल है। यदि वो धर्म और नीति को नहीं समझते तो लंका की जनता में और लोग भी तो होंगे जो इस बात को समझते हों। तुम उन लोगों को संगठित करके एक जनमत नहीं पैदा कर सकते जो सब मिलकर महाराज को समझाएं? उनके मंत्री तो हाँ में हाँ मिलाने वाले ही हैं, कदाचित जनमत की ध्वनि उनके कानों तक पहुंचे। मुझे क्षमा करें विभीषण जी, यदि मैं आपके विचारों से सहमत भी होता तो भी जिस स्वामी का मैं अन्न खाता हूँ उसके विरुद्ध जनमत का ऐसा जाल रचना मैं अपने सेवक धर्म के विरुद्ध समझता हूँ। अच्छा ये तो बताइए कि इस समय हमारी सेना में तुम्हारे कितने गुप्तचर हैं? विभीषण जी, निश्चय ही आप मुझसे ये आशा तो नहीं करते होंगे कि मैं अपने गुप्तचरों का कोई भेद आपको बताऊंगा। हमारे गुप्तचरों को पकड़ना महाराज सुग्रीव के गुप्तचर विभाग का कर्तव्य है, और मेरा कर्तव्य उनकी रक्षा करना है, उन्हें पकड़वाना नहीं। महाराज आप मुझे जाने की आज्ञा दें। जाओ। महाराज सुग्रीव, मैं आज से आपका भक्त हो गया हूं। जी हां, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। अब मुझे पता चला कि भगवान राम आपको अपना प्रिय मित्र क्यों मानते हैं। आप सचमुच उसके योग्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो सुग्रीव ने हमारी मृत्यु का संदेश भेजा है। वाह, उस चीटी के भी पर निकल आए। एक मरकट उछल कूद कर समंदर क्या पार कर गया, वह समझते हैं सारे वानर सागर तैर कर आ जाएंगे, लहरों में इस समाधि बन जाएगी सबकी। क्या इस बात को नहीं जानते? उन्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं है क्या? क्षमा करें महाराज, मैंने उनके सारे शिविर में ऐसा एक भी सैनिक नहीं देखा जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भय हो। उन्हें अपने सेना नायक राम के प्रति एक अनकही आस्था है।
उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राम अपनी शक्ति से उन्हें समुद्र के पार अवश्य ले जाएगा। महाराज सुग्रीव ने तो यहाँ तक कहा, जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं वो क्या हमें इस सागर से पार नहीं ले जाएंगे? महाराज, पंछी के रूप में उड़कर लुक छिप कर मैंने उनके पड़ाव में सबको देखा। इस समय सबके मन में सागर की लहरों की भांति उत्साह उमड़ रहा है। सब ठंडा हो जाएगा, सिंधु पार ही छटपटा कर लौट जाएंगे सारे के सारे। और उस कुलघाती विभीषण का क्या हाल है? वानर सेना में छिपे हुए हमारे गुप्तचरों ने मुझे बताया कि वहां विभीषण का बड़ा आदर और सम्मान है। सुना है राम उन्हें अपने बराबर का आसन देता है, उनसे मंत्रणा भी करता है। हमारा भेद पाने के लिए तो सर आंखों पर बिठाएंगे ही। शत्रु के बैरी को मित्र बनाकर काम निकाल लेना ही तो चतुराई है ना। परंतु जो अपने भाई बंधु सगे संबंधियों का नहीं बन सका वो उनका क्या बनेगा? और क्या उछल कूद हो रही है उस वानर दल में? इस समय तो जी जान से सभी इसी चेष्टा में जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार समुद्र लांघ कर लंका में पहुंचा जाए। और इसका कोई साधन नहीं है उनके पास, बस यही उनके संकल्प की पराजय का मुख्य कारण होगा। बेचारे। एक प्रकार से अच्छा भी है, युद्ध में मरने से बच जाएंगे और जल्दी ही निराश होकर वापस चले जाएंगे। मित्र, आपने लंका की सेना और रावण की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। लंका के चारों द्वारों पर जैसा सुरक्षा का प्रबंध आपने बताया है वैसा ही हनुमान ने भी बताया था। आपके हनुमान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लंका दहन के समय उन्होंने चुन चुन कर ऐसे स्थानों का विध्वंस किया जो लंका की सुरक्षा के लिए बड़े मर्म स्थान है। लंका पहुंचने पर मैं स्वयं ही आपको रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान बताऊंगा जहां से उसका भेदन हो सकता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे और लंका के बीच ये जो अक्षोभ्य समुद्र है, इस विशाल जल राशि को सेना के सहित कैसे पार किया जाए? आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है, परंतु हमारी सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? क्या आप उन्हें कोई ऐसी विद्या सिखा सकते हैं या कोई और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जिससे हम सारी सेना सहित उस पार चले जाएं? प्रभु, ये सब आसुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए तो सहज हैं, परंतु मानवों और वानरों के लिए ये साधना सहल नहीं है क्योंकि ये शक्ति सात्विक नहीं है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमारी सेना उस पर जा ही नहीं सकती। भैया, मेरा मत तो यह है, यहाँ बहुत घने वन हैं, सेना द्वारा लकड़ियां कटवाकर सहसों नावें बनाई जा सकती हैं, उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार पहुंच जाएगी। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार कीजिए। नावें लंका के समीप पहुंचते ही राक्षस लोग अपने उपल यंत्रों से उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंक कर उन्हें डुबो देंगे, आपकी सेना को तट पर उतरने ही नहीं देंगे। तो फिर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। क्या? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू? मांगने पर क्या समुद्र हमें रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है और फिर क्षत्रिय के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए,
पहले तो आपके धनुष की एक ही टनकार से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए तो वह स्वयं हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी? मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। दैव, दैव, भैया दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं। जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं, वही कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना न कायरता है न आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है, उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। मैं तो इतना ही कह रहा था भैया कि हमारी प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है? दो दिन पश्चात भी हमें यह शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए? इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण। दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से ये तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था, अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। मित्र, हमें आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, मेरे लिए यही कुशा का एक आसन बिछा दो, मैं यही बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। नमस्तुभ्यं जलनिधे, नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, मैं महाराज सगर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधि। Ha 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 ha
समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। वाह, भिखारियों की भांति रहते रहते हर किसी से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। मूर्ख ये समझता होगा कि समुद्र के सामने बैठकर रोएगा, अपनी व्यथा सुनाएगा कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तो समुद्र दया से द्रवित होकर अपनी लहरों में उसको सूखा रास्ता बना देगा। जिनके साथी विभीषण काका जैसे कायर हो वो ऐसी ही मूर्खताएं करेंगे। अन्न जल लिए बिना दो चार दिन बीत जाने दीजिए, फिर वही वानर सेना उनके मृत शरीर की शोभा यात्रा निकालेगी। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। मैं नहीं कह रही पुत्री, मैं तो केवल तुम्हें राजमहल के समाचार सुना रही हूँ। वहां जो बातें हो रही हैं, मेरी एक सखी आकर बता जाती है। उसे तुमसे बड़ी सहानुभूति है, परंतु महाराज के डर के कारण वो तुमसे मिल नहीं पाती। परंतु माँ, यदि ये बात राजमहल में हो रही थी तो सच्ची होगी, तो क्या मेरे स्वामी निराश होकर समुन्दर तट पर बैठे हैं? इस प्रकार समुन्दर उनकी बातें क्यों सुनेगा? कहीं रावण की भांति संसार के और लोग भी उनका उपहास न करें माँ। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी निराशा भरी बातें क्यों सोचती हो? विभीषण की पत्नी शर्मा भी कहती हैं कि श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है, वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। वो नर के रूप में आज जो कुछ कर रहे हैं वो सारी कार्य संसार में आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तुम उनकी शक्तियों पर भरोसा रखो पुत्री। जल ग्रहण किए बिना तपस्या कर रहे हैं माँ, जब तक उनका व्रत चल रहा है मैं भी अंचल ग्रहण नहीं करूंगी। सीता बेटी। हाँ माँ, वो मेरे पति भी हैं, वो मेरे प्रिय भी हैं, वो भूखे रहे और मैं खाऊं ये उचित नहीं। नहीं माँ, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं।
पंख नहीं कोई पंथ नहीं अब सैन्य सहित हमें पार उतारो ओ हुसाए सुझाओ उपाय रहे गोरिणी रघु प्रभु को पूर्वाभिमुख होकर महासागर की उपासना में तल्लीन हुए 2 दिन व्यतीत हो गए। क्या सागर इक्ष्वाकुवंशी महाराज सागर का उपकार भूल गया? लक्ष्मण भैया तो इस विचार से सहमत थे ही नहीं कि प्रभु महासागर के सामने गिड़गिड़ाए। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। सागर भूतकाल साक्षी है, इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि
तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। जो आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। क्षमा करो, आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया। इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु यह दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है।
प्रभु हम पांच तत्व अर्थात आकाश धरती अग्नि वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन पांचों के गुण स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। मुझमें सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षुभ्य है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्व समर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। पांच तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। हमारा ये बाण अमोघ है, एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुणीर में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब ये बताओ कि मैं ये बाण किस दिशा में और किस पर छोड़ूं। प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहां बड़े भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहां की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। इस बाण के प्रहार से वहां की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों का कल्याण होगा। अब मुझे आज्ञा दें अयोध्यानाथ। शिव शंकर और मां भवानी
आपको विजयी बनाए, सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करे। करुणा सागर वीरती करूं जोड़ कर हाथ, सीय सहित मोहे बेगी दर्शन दीजो ना। मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर, जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का दुष्कर कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उनकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण के कार्य में व्यस्त रहेंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रोक्त विधि से यहां शिवलिंग की स्थापना और उनकी विधिवत पूजा कराएं। जो आज्ञा प्रभु। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कारज सिद्धि हेतु कपिदल अधिक उच्छासु, लावत बांधन से तू पाथर वृक्ष बड़े बड़े। संकल्पः श्री सूर्यवंशावतंसः, श्री सूर्यवंशावतंसः, श्री दशरथात्मजो रामाहम्, श्री दशरथात्मजो रामाहम्, ममात्मनः ममात्मनः, श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थम् सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थम् सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थम् सेतुबन्धप्रारम्भसमये मन इप्सितफलकामनासिद्ध्यर्थम् श्रीज्योतिर्लिङ्गश्रीरामेश्वरमहादेवस्य अचलप्राणप्रतिष्ठापूजनाद्यर्चनम् अहं करिष्ये। समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति चहे मोरी,
सोनार की मूढ़ मत थोड़।